गुड इवनिंग गाइस। तो आज के व्लॉग की शुरुआत वीरेंद्र नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक बहुत ही खास चीज है। ये गाइस यार, ये BMW के X7, और आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अपने को पता है कि यार शौक रहता है कि यार कि BMW एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑडी है, मर्सिडीज है, उनकी गाड़ियां कैसी होती है, किस तरीके से उनके अंदर फंक्शंस होते हैं, कैसी उनकी जो लग्जरी फीलिंग होती है वो होती है। तो गाइस यार, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना X7, ये यहाँ पर X7। तो गाइस यार, इस गाड़ी की कीमत लगभग अगर अपन सारी चीजें एक्सेसरीज इंश्योरेंस सब मिला के देखे तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की गाड़ी है। तो गाइस यार, 1.5 करोड़ की गाड़ी है तो आपको दिखाना तो बनता है। गाइस यार चलो आ जाओ। तो गाइस यार ये देखो, ये लगे हुए मोटा भाई बैठा हुआ है, पूरी गाड़ी को जांच परख रहा है, देख रहा है, एक एक चीजें देख रहा है बारीकी से कि क्या है क्या नहीं है। मजा आ रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो नीचे लोगो, देखो और ये है BMW X7 की गाड़ी की चाबी। दो चाबियां आती है, तो एक ये भी है। तो अपन बैठ जाते हैं इसके अंदर। वीरेंद्र तो आ जाओ उधर से अंदर। भैया देखो, मेन बात तो ये है कि जब मैं छोटा था और मैं कोई गाड़ी गुजरता था तो मुझे बड़ा शौक था गाड़ियों को देखने का, और मुझे पता है कि आपको भी होगा, इसलिए आपको दिखा रही है। देखो ऊपर कुछ ऐसा सीन है और यहाँ पे बटन है जिससे कि सनरूफ खुल जाती है। देखो अभी तो धूप है नहीं। तो गाइस पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी है यार, सारे फंक्शंस है इसके अंदर दमदार। तो मैं सबसे पहले तो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। गेट खोलो ना यार, थोड़ा ड्राइव करके आते गाड़ी को, और बैठ जाओ जिसपे बैठना है। मैं भी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर HUD डिस्प्ले है। ये देखो जब अपन चलते हैं ना, तो वो देखो, वो जो एक हल्का सा आपको दिख ना जीरो जैसा कुछ, तो गाइस ये है ना, चलते वक्त अपने को स्पीड दिखाता है कि कितनी स्पीड से चल रही है, अपन ने सीट बेल्ट लगाया है नहीं लगाया है। सिंपल सा साधारण सा उदाहरण, वो आयरन मैन के वो सामने नहीं आता, आयरन मैन वो सामने डिस्प्ले में आता रहता है आंखों के पास, वो चीज है वहां पे शीशे पे, हाँ कवच के अंदर, उसके हेलमेट के अंदर। ये गाने ये पीछे से बजा रहे हैं, ये छेड़ रहे टीवी के अंदर, लाइटों का कलर चेंज कर रहे हैं पीछे से बैठे बैठे भाई लोग। इसमें पीछे की तरफ है ना टीवी है, ये देखो आप दिख रही है, तो गाइस ये LED है, यहाँ से पूरा कंट्रोल है, चेंज होता है, कलर चेंज हो गया, फुल फीलिंग मजे ले रहे सबके सब। ये वाली लाइट कहाँ से चालू होगी मुझे भी नहीं पता है, यहाँ पे स्विच होगा यार। देखो हाँ, ये रहा। धूप आ गई। तो गाइस यार पीछे भी बैठ सकते हैं और आगे दो जनों की सीट है, लेकिन हमारा थोड़ा गांव का रूल है कि टस टस के जाने का, तो हम तीन बैठे हैं। और इसका एक और फ्यूचर मस्त लगा मेरे को, फ्यूचर वाला, इसका फ्यूचर अच्छा लगा है दिनेश। गाड़ी है ना, मतलब खड़ी हो ना उसको अपन ऊपर नीचे यूं कर सकते हैं। अच्छा लेवलिंग का, नहीं इससे क्या गाड़ी की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो ब्रेकर्स तो इतने बड़े नहीं होते। मान लीजिए अपन पहाड़ में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बड़ा गड्ढा है, ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बड़ा गड्ढा है, तो गाड़ी की हाइट जो है ऊपर कर लो, गाड़ी ऊपर नीचे होगी। भैया अभी भी बची, इसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हो आप? इसकी अनबॉक्सिंग कर दे क्या? कर दो पक्का। हाँ ये हो गई इसकी, फील लो। अब लग रही है डिस्प्ले। हाँ मतलब वो पहले थैली लगी हुई थी, इतना मजा नहीं आ रहा था, अभी आपने कर दिया ना। गाड़ी कचरा गाड़ी के अंदर, गाड़ी में फेंको, चलो फेंक दिया गाड़ी में। तो भैया से मैं कुछ पूछना चाहूंगा। तो भैया आप इतनी देर से यहाँ पे बैठे हो और इसे चला रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के? बुरा मानने की बात नहीं है, अपनी गाड़ी होती है। मेरे को असली मजा खुद की गाड़ी को चलाने में आता है, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो। हाँ बाकी ये कहूंगा कि गाड़ी तारीफ के काबिल है। मैं तो ये कहूंगा भैया, जब ये रहता है ना कि जो स्टेयरिंग अपने पकड़ी है या फिर जो हैंडल अपने पकड़े, अगर वो खुद के है ना अपने, उसमें जो रियल मजा है ना वो किसी में लेने को अपन ले सकते हैं। लेकिन यार देखो पैर जमीन पे, यही मेरा अगला क्वेश्चन था, अपने को जरूरत नहीं है तो अपन क्यों, मतलब यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि अपना काम फॉर्च्यूनर से चल जाता है, बस मेरे लिए बहुत इनफ है यार वो गाड़ी। सही है, फ्रिज का बहुत बड़ा इशू आ गया गाइस, गर्मी भी आ रही है सामने, सामने गर्मी आ रही है, देखो सामने एसी इतनी कूल है कि फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी फ्रिज तो नहीं है यार। अबे तो कहते हैं कल को इसमें किचन भी होना चाहिए, किचन भी, बाथरूम भी होना चाहिए, फिर तो वो चलता फिरता ट्रक लेंगे ना, उसको बनाएंगे घर वगैरह, फिर उसमें चलेंगे, फिर तो वही चीज चाहिए होगी यार अपने को, अपने ऐसा काम नहीं चलने वाला, अपने को ट्रक बस लेना पड़ेगा। तो भाई लोग हम फाइनली यहाँ पे आए थे, जय माता की, मंदिर आए थे, हमने सोचा जय माता दी जरूर लिख देना, गाड़ी को दुकाने लेके आए हैं। तो गाइस ये आ गए हम माता के दरबार में,
गाड़ी को भी दुखाएंगे, खुद भी देखेंगे और उसके बाद में माता का आशीर्वाद लेंगे और फिर चलेंगे। जय माता दी। व्यूरो एक काम करना यार, रात के अंदर इसकी रोशनी वोशनी दिखाना, उतर के रात के अंदर गाड़ी कैसे दिखती है, बाहर से दिखाना, बाहर का लुक लेने की कोशिश करना। ये तो BMW उतरते ही सबसे पहले BMW दिखेगा अपने को नीचे की तरफ। ओ भाई कुछ इससे ऐसी लगती है। देखो भाई लोगों सामने से कुछ इस तरीके से दिखती है, एकदम खतरनाक। और पीछे से ऐसे एक नंबर मस्त दिख रही है सामने से अग्रेसिव, और ये नीचे उतरते ही ये लगता है लिखा रहता है ना BMW, मजा आ गया। देख मैं फुल एक्सलेटर कर रहा हूँ फिर भी अंदर इतनी नहीं आ रही, बाहर काफी तेज है। देखो मैं बाहर से सुना के दिखाता हूँ। चलो अभी चलते हैं। आई होप ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो मेहनत करना, और जो ले सकते हैं वो ले, वो तो उनको पहले से एडवांस में बताइए। कांग्रेचुलेशन भाइयों, बाकी मुझे चला के बड़ा अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।